नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये AmiBroker एंड MetaTrader दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज को मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर ओनली फॉर चार्ट एनालिसिस या मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए। सॉफ्टवेयर कोई प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं होता है। जो आप ऐसा मत सोचिएगा जो सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपको कंटिन्यूसली डेली प्रॉफिट आते रहेगा, कभी लॉस नहीं होगा, नॉट लाइक दैट। सॉफ्टवेयर आपका प्रॉफिट रेशियो को जस्ट इंक्रीज करता है। बिना सॉफ्टवेयर का भी आप मार्केट में 50% प्रॉफिट ऐसे अर्निंग कर लेंगे, मगर एक सॉफ्टवेयर या अच्छा कंसेप्ट अगर आपके पास रहेगा या जेन्युइन कोई इंडिकेटर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 50% से लेके 60-70 मैक्स टू मैक्स 80-85% तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस मार्केट में चाहे आप कोई भी थ्योरी अप्लाई कर लीजिए, कोई भी टेक्निक फॉलो कर लीजिए, वो कभी भी गारंटेड नहीं होता है। कभी वो थ्योरी चलता है, कभी थ्योरी नहीं चलता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर या टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए, आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है और कुछ नहीं। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, हम लोग का सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइडलाइन देने वाला हूँ। तो आज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैंक इंडिया और बैंक निफ्टी। आज को डेट है 18 तारीख, ऊपर में देखिए डेट टाइमिंग सब कुछ दिख के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बैंक इंडिया का एक चार्ट खोला हूँ। तो ये जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है इससे हम लोग सिग्नल कहते हैं। तो जब भी कोई सिग्नल बनता है ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। तो बहुत सारा क्लाइंट का मन में जो क्वेरीज आता है, जो मार्केट में इतना सारा स्क्रिप्ट होता है, मुझे पता कैसे चलेगा जो कहाँ पर कॉल बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग का सॉफ्टवेयर में एक ऑटोमेटिकली अलर्ट का सिस्टम होता है। कहीं पर भी कुछ कॉल बनता है ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाता है। मतलब आपको कोई स्क्रिप्ट खोल के रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा या फिर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सपोज ये जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सिग्नल कह रहे हैं सेल का। सपोज एक कॉल बना था, ऊपर में डेट एंड टाइमिंग दिखाई दे रहा है 11:20 पे। अब 11:20 पे जो सेल का कॉल बना था, राइट साइड में उसका वैल्यू लिखा है, टारगेट लिखा है, सब कुछ लिख के आ जाता है। अब मेन चीज़ होता है प्रेडिक्शन। ये जो कॉल बना है उस टाइम मुझे कैसे पता चलेगा जो मुझे इस कॉल में ट्रेड करना है या नहीं करना है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। बाद में तो मुझे पता चल ही जा रहा है जो ये कॉल अच्छा हिट हो चुका है, मगर उस मोमेंट में क्या बेसिस में मुझे ट्रेड करना है, क्या लॉजिक हम लोग फॉलो करेंगे। तो बेसिकली देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ यहाँ पे डाल के रखे हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर में सेल का कॉल आएगा आपका फर्स्ट काम है नीचे में एक रिबॉन चल रहा है जिसका कलर को देखना है। देखिए उसका कलर एक बार ग्रीन हो रहा है, एक बार रेड हो रहा है। ग्रीन मतलब ऑब्वियसली बाइंग स्ट्रांग है, रेड मतलब सेलिंग सेलर स्ट्रांग है। तो सेल का कॉल में नीचे का रिबॉन का कलर रेड होना है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन होगा जो आपको देखना है। सेकेंडली सेल का कॉल का पहले कहीं पर भी एक स्टार बनेगा, वो भी रेड कलर का। तो दिखाई दे रहा है उसका पहला वाला जस्ट कैंडल में आपको एक रेड कलर का स्टार दिखाई दे रहा है। तो स्टार एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड को यहाँ पर फिल्टर कर रहा है। तो रेड स्टार आ गया मतलब मार्केट में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड आ चुका है, ये उसका संकेत है। थर्ड कंडीशन में देखिए नीचे में आपको एक मूविंग एवरेज जैसा लाइन दिखाई देगा। इस इंडिकेटर का काम क्या है, इस इंडिकेटर में देखिए मिडिल में एक वाइट हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। बेसिकली ये जो वाइट लाइन है ये मार्केट को डिवाइड कर रहा है। और ये जो मूविंग एवरेज जैसा आपको लाइन दिखाई दे रहा है जो एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है, तो चाहे कलर कुछ भी हो, ऑब्वियसली रेड मतलब यहाँ से आपका सेलर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर इसका जो मेन फंक्शन है, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द पॉइंट। जिस पॉइंट से ये न्यूट्रल को ब्रेक करके नीचे आने लगा आप वहीं से स्ट्रांगली सेलिंग जोन में घुस जा रहे हैं। तो इस इंडिकेटर का काम है जस्ट इतना। इसका साथ साथ और भी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। एक है येलो लाइन, येलो लाइन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर येलो लाइन का नीचे मार्केट जा रहा है मतलब आपका ट्रेंड डाउन में है, येलो लाइन का ऊपर अगर मार्केट चला जाएगा मतलब बाइंग में। मिडिल में देखिए दो लाइन का क्रॉसओवर टेक्निक भी आपको दिखाई देगा। दो लाइन क्रॉसओवर होके पिंक चल रहा है मतलब आपका डाउन ट्रेड है, जहाँ से क्रॉसओवर के ग्रीन हो गया मतलब अप ट्रेड। तो इतना सारा चीज़ यहाँ पर डाला हुआ है। अब इसमें से जो मेन चीज़ है वो है स्टार, नीचे का रिबॉन, और इस लाइन का जो मोमेंट है वो न्यूट्रल को ब्रेक।
ये तीन चीज को आपको फॉलो करना ही है। बेसिकली इस मार्केट में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा एक्यूरेसी आपको बनाना है उतना प्योरली कॉल को फिल्टर करना जरूरी पड़ता है। मतलब आप जितना अच्छा से मार्केट का सारा कंडीशन को समझ के ट्रेड करेंगे आपका ट्रेड उतना ही सिक्योर होते जाएगा। तो सपोज ये जो सेल का कॉल बना था, अब मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, जिस टाइम कॉल बना था मुझे स्टार दिखाई दे रहा था, नीचे का रिबन का कलर रेड दिखाई दे रहा था, मगर उस टाइम नीचे का जो लाइन है जो न्यूट्रल को ब्रेक करने का था वो ब्रेक नहीं किया था, वो इस कैंडल में जाके ब्रेक किया। तो जब तक पूरा कंडीशन मैच नहीं होता है तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये जो कैंडल है यहाँ पर ये न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा है, लगभग सारा कंडीशन मैच है, फिर भी हम लोग ट्रेड कब करेंगे? ऐसा नहीं जो कंडीशन मैच हुआ हम लोग ट्रेड कर लिए तुरंत। फाइनली ऑर्डर लगाने का पहले हम लोग को और एक चीज़ देखना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर लगा लेने का बाद आपका आदमी कोई ऑप्शन बचता नहीं है, या फिर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जितना भी थिंकिंग करना है, जो भी दिमाग लगाना है उसका पहले, उससे बाद में कुछ होगा नहीं या फिर कुछ आप कर नहीं सकते। तो हम लोग को सॉफ्टवेयर में देखिए जब भी कोई सिग्नल बनता है, चाहे वो सेल हो या बाय हो, हर एक सिग्नल का पहले एक कैंडल बनते हैं जिसका कलर थोड़ा दूसरा किस्म का है। देखिए ब्लू कलर का कैंडल दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, या फिर बाय का कॉल का पहले भी। तो ये ब्लू कलर का कैंडल है क्या? ये ब्लू कलर का कैंडल है आपका ट्रेंड रिवर्सल थ्योरी के ऊपर बेस करके बनाया जा रहा है। तो अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो आपको ब्लू कलर का जो कैंडल है उसका लो को देखना पड़ेगा। सपोज मैं इसका लो का नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो कंसेप्ट यही रहेगा जब तक कोई भी एक कैंडल उसका क्लोजिंग इस ब्लू कैंडल का जो लो है उसको तोड़ेगा नहीं, तब तक आपका कॉल कंफर्म नहीं होता है, भले ही आपका सारा कंडीशन मैच क्यों ना हो। तो उस हिसाब से देखा जाए ये जो कैंडल है 11:50 का जो कैंडल है उसमें ये ब्रेकआउट का थ्योरी मैच किया है। तो इस मोमेंट में खड़ा होकर मैं और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मेरा पूरा कंडीशन मैच है, यानी नीचे का रिबन रेड है, लाइन न्यूट्रल को ब्रेक कर चुका है, स्टार है, येलो लाइन का नीचे है, नीचे मिडिल का दोनों लाइन पिंक है, मतलब सारा कंडीशन मैच है, दैट इज द सिचुएशन। अगर देखा जाए ये जो कैंडल है ये कैंडल में आपका एक्चुअल सेलिंग ट्रेडिंग होना चाहिए, इससे पहले नहीं। देखिए हर एक स्क्रिप्ट दिन में एक ना एक बार अच्छा प्रॉफिट देखे ही जाता है, हम लोग का काम है जस्ट उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, जो लोकेशन कब है, सुबह 10 बजे है, 11 बजे है, 1 बजे है, कब है। तो सॉफ्टवेयर जस्ट हेल्प करता है उस सिचुएशन को आपको फाइंड आउट करने के लिए और कुछ नहीं। तो एज पर कंडीशन, एज पर हम लोग का रूल, आप इस कैंडल का बाद यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं सेलिंग के लिए, जो आपको काफ़ी हद तक एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, जो आपको यहाँ पर दिया भी। उसके बाद मेन जो चीज़ होगा वो है एग्जिट। सिर्फ एंट्री लेना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट लाइक दैट। एंट्री का साथ साथ एग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस कैंडल में नीचे का जो लाइन है मूविंग एवरेज जैसा जिसका बात कर रहे थे, देखिए रेड से ग्रीन होना स्टार्ट किया। तो ये फर्स्ट संकेत आपका आया जो थोड़ा बहुत बायर्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं जो आपको यहाँ पर बाय कर लेना है या यहीं पर एग्जिट कर लेना है, नॉट लाइक दैट। एग्जिट करने के लिए बेसिकली कंसेप्ट होता है जहां पर ये मिडिल का दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होके पिंक से ग्रीन हो जाएगा, एक पॉइंट है। अदरवाइज जब नीचे का ये लाइन न्यूट्रल को ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब ग्रीन होना तो शुरू हो रहा था, आप एज पर सेफ्टी अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो निकल जाइएगा, अदरवाइज आप अगर वेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम इतना देर तक वेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ये जो सेल बाय का कॉल है, तो क्या ये बाय का कॉल सही है? तो आप खुद देखिए, आपको जस्ट कंडीशन को मैच करना है, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे ये बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार नहीं है, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, और सेकेंडली ये येलो लाइन का ऊपर अभी तक इसका मूवमेंट गया नहीं था। थर्डली अगर एक सारा कंडीशन मैच भी होता तो ब्लू कैंडल का जो हाई है, ये जो ब्लू कैंडल है उसका हाई को देखना पड़ेगा, उसका हाई कब तोड़ रहा है, देन आप एंट्री ले सकते। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये बाय का कॉल टोटली फॉल्स था। तो ये जो सेल का कॉल था ये सही था, मगर सही कब था? इस कैंडल का बाद, जहां पर ये पूरा इसका कंडीशन मैच हो रहा है, नॉट बिफोर इट। तो ट्रेड करने का पहले आपको मार्केट का सिचुएशन को समझना है, मार्केट का लॉजिक को समझना है, और एक्चुअल लोकेशन के लिए आपको वेट करना है। अगर आप सही जगह पर एंट्री लेंगे देन आप इजीली यहां पर पैसा बना सकते हैं। अब मैं देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर का एक चार्ट लगाता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए ऑलरेडी यहाँ से आपका सेलिंग चल रहा है अगले दिन से, अभी तो मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड है, कुछ बोलना नहीं है।
सिंपल यूरो लाइन का नीचे मार्केट है, सेल का कॉल दिया था। यहाँ पर जो मैं मेन चीज दिखाने वाला हूँ वो है नीचे का लाइन का इंपॉर्टेंस। तो जिस टाइम में सेल का कॉल बना था उसी टाइम देखिए न्यूट्रल को ब्रेक किया था, मतलब आपका ट्रेंड स्ट्रांगली घुसा है। आज को शायद मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ है, ये आज का फर्स्ट कैंडल है, टोटली डाउन ट्रेंड जा रहा है, अगले दिन का कॉल को कंटिन्यू कर रहा है। अब एग्जिट कब कीजिएगा, देखिए हम लोग का सॉफ्टवेयर का हिसाब से दैट इज द पॉइंट। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली ये जो लाइन है ये भी न्यूट्रल को ब्रेक किया और ऊपर में दो जो लाइन है वो भी क्रॉस ओवर होकर आपका ग्रीन हो गया। तो ये जब दोनों ही मेरा इंडिकेशन नेगेटिव में दे रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एग्जिट का कंसेप्ट बार बार बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारा इंडिकेटर फॉलो करते होंगे जो आपको एंट्री तो शायद सही दे दे रहा है मगर जब एग्जिट करते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर एग्जिट करने का कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी यूनिक भी है, आपको एकदम बॉटम में आके एग्जिट कराने का कोशिश करेगा, दैट इज। तो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ऑब्वियसली मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, ताकि इस तरीके का कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलता रहे। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है या फिर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो का नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, पूरा डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली मार्केट को समझना पड़ेगा, उसका बाद ट्रेड कीजिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। ऐसा नहीं जो आप कभी लॉस नहीं खाएंगे, लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम इस मार्केट के लिए, जो आपको लॉस बियर करना ही पड़ेगा, मगर आपको फोकस करना है जितना कम से कम लॉस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग किया जाए, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।